atmak kolay mı yüreğimden? Bir resim kalır bugün yeni doğan güneş gibi gökyüzünden. Dilim varmaz kalır durmaz, sonu görmek kolay mı gün geçmeden? Aa, duvarlardan, koşmalardan sıkıldım, bunaldım tapralardan. Aşk lazım, aşk lazım sevmeye, yürek lazım günlerce gülmek lazım. Elinden tutmak lazım, söz lazım, söz lazım. Yepyeni bir tat lazım, denizler boyunca uzanan kumlarda yatmak lazım. Aşkta kazanmak kolay mı sevişirken? Dilim varmaz kalır durmaz, sonu görmek kolay mı? Sinan Bey. Defne. Sinan mere pyare bhai. Defne. मेरी जिंदगी की रोशनी, दुनिया के सबसे प्यारे भाई। बहुत हो गया, अब ये ड्रामा बंद करो और मुझे ये बताओ तुम इस बेहुदा फर्म में काम कर कैसे रही हो। तुम्हें मना किया था ना भाई, मेरी बात ने सुनो, मुझे सीधा जवाब चाहिए। देफने, ये कर क्या रही हो तुम? हाँ, मैंने कहा ना मुझे सीधा जवाब चाहिए, इशारे समझ नहीं आ रहे मुझे। भाई अगर आप मेरी बात सुनेंगे तो मैं आपको कुछ सुनाऊंगी और कुछ समझाने की कोशिश करूंगी ना, आप तो कुछ सुन ही नहीं रहे। बस कर दो लड़की, बस कर दो, सर फट रहा है मेरा दर्द से। चलो कहीं बैठ कर बात करते हैं, फिर बताता हूँ तुम्हें मैं। मैम, कोई काम था आपको? हाँ, अभी 10 मिनट पहले यहाँ पर एक लड़का खड़ा था, गोल्डन बाल थे उसके। हाँ यहीं खड़ा हुआ था, बिल्कुल यहीं खड़ा हुआ था, और व्हाइट कलर की जैकेट पहनी हुई थी, और उसकी ना आंखें भी शायद ब्लू कलर की थी। हाँ, समझ गई मैं, आशिक था किसी का। आशिक था किसी का? किसका आशिक था? मिस डेफने का। आपको देखना चाहिए था कैसे बातें कर रहे थे वो एक दूसरे से, वो भी हाथ में हाथ डालकर। मेड फॉर ईच अदर। हाँ, हर किसी को ऐसे ही ख्याल करने वाला मिलना चाहिए। मिस डेफने बहुत लकी हैं कसम से। सही कहा, जिस तरह वो हाथ पकड़ कर ले गया उन्हें यहाँ से। बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं। डेफने ने काम शुरू कर दिया। मेरी प्यारी बहन, कहाँ जा रही हो? चेहरे को क्या हुआ? कुछ नहीं। यशम, तुम ठीक हो? ठीक हूँ, ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, ठीक। हाँ हाँ हाँ, वाकई। तुम्हें पता है डेफने वापस आ गई है, दानिश ने बताया मुझे। क्या वाकई? कैसे रहम आ गया उसे हम पर?
मालूम नहीं। तो अभी वो कहां पर है? वो उसका बॉयफ्रेंड है और वो दोनों साथ निकले हैं साथ में मेरे ख्याल से। देखो ये हमारी प्रेजेंटेशन है जिस पे हमें फौरन काम करना है, समझ रही हो ना? डेफने ने काम शुरू कर दिया? हाँ। तुमने मुझसे पूछा था? इसमें क्या पूछता मैं, हमने ही तो हायर किया था। मुझे दानिया को हायर करना है। पागल हो गए हो क्या? दानिया और डेफने कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तुम्हें पसंद आ गई शायद डेफने। ये क्या बकवास कर रही हो तुम, वो हमारी फर्म के लिए परफेक्ट है। तुम्हारा मसला क्या है भाई? ठीक है तुम इसके साथ बिजी रहो, लेकिन मुझे दानिया चाहिए। वो एक घंटे में काम शुरू कर रही है, उसका कॉन्ट्रैक्ट रेडी करवाओ। मैं बाहर से आता हूं। हुआ क्या है इसे? ये दानिया के पीछे क्यों पड़ा है? जेलस हो गए हैं भाई। एनीवे मैं भाई से बात करने की कोशिश करती हूं, तुम फिक्र नहीं करो। हाय। चलो मैं समझाता हूं। डेफने मेरी बहन, देखो उस दिन मैंने तुम्हारी बात जरा सी भी नहीं सुनी, तुम्हें डांटा, तुम पे चिल्लाया भी, ठीक है, लेकिन अब मेरे और यालन के बीच में कुछ भी नहीं है। और वो तो कभी हो भी नहीं सकता है, बिल्कुल भी नहीं, याद रखना ये बात। और वैसे भी तो वो तुम्हें तंग कर रहा था ना, क्यों आई हो तुम यहाँ आज? भाई बात यह है कि कल मैं और यशम डिनर के लिए बाहर गए थे, तो वहां पर आ गई वो दानिया, आपको याद होगी, वो मेरे कॉलेज में थी जो। हाँ हाँ याद है। फिर हाँ वो लोग मेरी जगह पर उसे हायर करने लगे। मैंने सोचा ऐसा नहीं हो सकता, भला मैं उस दानिया को अपनी आइडियल जॉब इतनी आसानी से क्यों दे दूं? डेफने क्योंकि तुम्हें अपने फ्यूचर के लिए खतरा है, इसलिए मैं सिर्फ तुम्हारे। एक मिनट भाई, मेरे प्यारे भाई, मैं तो वैसे भी दानिश के साथ काम करूंगी, यालन से तो कोई वास्ता ही नहीं रहेगा। हाँ लेकिन आप फिर से वही कर रहे हैं, मेरा नासुक दिल तोड़ रहे हैं आप। मेरी बात सुनो भाई। अरे भाई आओ ना यहाँ पर बैठ के बात करते हैं कुछ देर के लिए। ठीक है तुम जाके बैठो, मैं अभी आता हूँ। ठीक है। तुम जानती हो ना मैं तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं देख सकता हूँ। तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा? तुम्हें मुझसे इतनी उम्मीद तो होनी चाहिए थी ना, तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हो मेरी जान। चलो कहीं और चलते। तुमने तो यहाँ बैठने का कहा था, पहले ही मेरा दिमाग घुमा हुआ, मैं कुछ उल्टा सीधा बोल दूंगा यशम। अरे हाँ भाई इसी वजह से तो कह रही हूँ, चलिए यहाँ से, चलिए आ जाए जल्दी से। समझ में आई ना तुम्हें मेरी बात मेरी जान? यही है ना उसका बॉयफ्रेंड? मेरी गुड़िया, मेरी प्यारी सी बहन, तुम यहीं बैठो, वेट करो मेरा, मैं वॉशरूम जाकर फ्रेश होकर आता हूँ, मुंह धोता हूँ जरा, मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, फिर मसले का हल निकालते हैं दोनों भाई बहन मिलकर। ठीक है? ठीक है। यशम, अरे लड़की अभी नहीं बुलाओ। हेलो डेफने, न्यू जॉब के लिए गुड लक। थैंक यू सो मच मेरी जान। और जानती हो कि अच्छी बात क्या है कि मुझे किसी बेहुदा इंसान के साथ काम नहीं करना पड़ेगा। मेरे बारे में बात कर रही हो? अरे तुम्हें वाकई ऐसा लगा, बताओ। खड़ी क्यों हो, बैठो ना। ओके फाइन, बैठ जाते हैं। यशम तुम भी बैठो ना यहाँ पर। हम बैठ गए लेकिन किसी और का इंतजार तो नहीं तुम्हें? मेरे ऐसे कहने से क्या तुम चले जाओगे? नहीं अब तुम्हें मिलकर जाऊंगा।
आर यू श्योर? क्यों, तुम कुछ छुपाना चाह रही हो क्या? अरे नहीं, मैं तो तुम्हारी वजह से फिक्रमंद हो रही थी, खामा खामे परेशानी हो जाएगी। हाँ। हाय देयर। अरे ये यहाँ क्या कर रहे? ये नमूना फिर आ गया यहाँ। भाई यार, अब दोबारा नहीं। भाई है तुम्हारा वो दक्षिण उसी में। आप ही से तो मिलना चाहती थी मैं। तुम्हारा भाई है? हाँ बिल्कुल। इतनी सरप्राइज क्यों? एक मिनट, पहले तुम इसके साथ थी। हाँ तो और किसके साथ होंगी? इन्हीं के साथ तो थी मैं। मेरी बहन को क्यों घूर रहे हो? बहन है तुम्हारी? नहीं, अडॉप्ट किया था। हेलो मिस्टर, पहले ही मैं तुम्हें आराम से बात करना। देखो मैं इस दफा तुम पे बिल्कुल रहम नहीं करूंगा, मार डालूंगा तुम्हें। मार डालोगे? आओ ना, आजो आजो, आओ ना, आओ। अब क्या हुआ? तुम्हें तो मैं। अरे नहीं नहीं, 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 नहीं बस, 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 यार तुम दोनों कसम से बहुत बड़े जंगली हो, बहुत ही बड़े। बिल्कुल, एक शेर है तो दूसरा सवा शेर। अरे खुदा के वास्ते ये झगड़ा बंद कर दो। समझ से बाहर हैं दोनों, मेरी बात करनी तो आती ही नहीं। नहीं पता तो जान लेंगे, इंसान आपस में बात करते हैं और झगड़ते जानवर हैं। मेरी जान, चलो हम ही चलते हैं यहाँ से, क्योंकि हम तो इन जंगलियों जैसे बिल्कुल भी नहीं है। एक्सक्यूज मी। इन्हें क्या हो गया अचानक से? पता होता तो बता देता। डेफने, यशम। मेरी बहन का नाम तमीज से लो। तुम मेरी बहन का नाम मत लो। मैंने नहीं लिया, तुम आवाज लगाते हुए आए हो यहाँ। तुम अपने भाई को लेकर जाओ, मैं अपने भाई को लेकर जाती हूँ और फिर कल ऑफिस में मिलते हैं। अगर तुम इजाजत दो तो तुम्हारी बहन से माफी मांगना चाहता हूँ मैं। डेफने, डेफने, कल हमारे बीच जो भी बदमजगी हुई उसके लिए माफी चाहता हूँ मैं। और जिस दिन हम मिले थे उस दिन भी जो मैंने किया उसके लिए माफ कर देना। मेरी माफी कबूल कर लो ताकि एक नई शुरुआत करें। कर रही हो? अब हम दोस्त हैं। ठीक है, आज से फ्रेंड्स। क्या वाकई मान गई तुम? हाँ बिल्कुल मान गई। यानी आइंदा झगड़े के वक्त भाई को नहीं बुलाओगी तुम? ठीक है, नहीं बुलाऊंगी, खुद हैंडल कर लूंगी। सही। मिस्टर यालन, मैंने अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है। मिस्टर दानिश ने बताया था कि आपने स्पेशली मुझे बुलवाया है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। डेफने, भाई चलिए। डेफने रुको, एक मिनट बात तो सुनो। भाई मैंने कहा चले यहाँ से। हाँ कहाँ? जहन्नुम में जा रहे हैं, दो सीट्स बुक करवा ली है मैंने, अब चले यहाँ से, सवाल नहीं करें। डेफने, पहले माफी मांगता है और उसके बाद क्या देखती हूँ कि अंदर से मोहतरमा आ रही है। हाँ ये वह खूब समझता है, नालायक बदतमीज। डेफने मेरी बहन, क्या हुआ था, क्या मुसीबत आई? आपको अचानक क्या हो गया भाई, इतने मीठे कैसे बन गए? जरूर कोई मतलब ही होगा आपका। एक तो अगर तुमसे कोई भी सवाल किया जाए तो तुम उसका उल्टा ही जवाब देती हो। मैंने तुमसे पूछा है कि वहां क्या हुआ था। कुछ नहीं हुआ। जहन्नुम में जाओ तुम यारन, जहन्नुम में। खुश तो बहुत होंगे आप भाई।
यशम शट अप यार। हाँ, मैं चुप हो जाऊं, कोई कह भी क्या सकता है, बस चुप रहे हम।